इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं ताज बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के गांधीनगर इलाके में बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वक्त दोनों ही आरोपी वायरल वीडियो में चाकू चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। घटना को लेकर DCP आदित्य मिश्रा के अनुसार गांधीनगर इलाके में सोमवार दोपहर 3 से 4 बजे के लगभग 2 बदमाशों द्वारा इलाके में रहने वाले आयुष नामक युवक को दौड़ा दौड़ा कर चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस द्वारा 2 आरोपी कार्तिक और करण को गिरफ्तार किया गया। दोनों का वर्ष 2021 में कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके चलते मृतक आयुष पर गवाही न देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। सोमवार को दोनों ही बदमाशों ने मृतक आयुष को बातचीत करने के लिए बुलाया था। वहीं विवाद के बाद करण और कार्तिक ने चाकू से आयुष पर हमला कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसमें कल 26 तारीख को थाना गांधीनगर में अरविंदो अस्पताल से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर एक आदमी जो है वो भर्ती हुआ है, जिसको प्राइमा फेसी उनको लगा था कि शार्प ऑब्जेक्ट से जिसको चोट पहुंची है, और जब तक वहां पुलिस पहुंचती उसमें जांच करने के लिए तब तक अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसी के साथ साथ जब घटनास्थल के बारे में वहाँ एक और जो था जो उसके साथ में था उसको भी पैर पे चोट थी, उससे जब पूछा गया तो उसने घटनास्थल के बारे में बताया, जो कि HP गैस एजेंसी जो गांधीनगर में नैनोद मल्टी के पास है वो घटनास्थल होना बताया। वहाँ पर जब तक पहुँचे तो वहाँ CCTV फुटेजेज और कुछ राहगीरों ने भी उसके मोबाइल में फुटेज लिए थे जब ये घटना हो रही थी। तो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि कल करीबन 3:30-4 बजे के बीच में ये 4 लोग थे उस समय, जो इसमें जो मृतक हैं आयुष गोस्वामी, पिता लखन गोस्वामी, ये उस समय वहाँ मौजूद थे। इन्हीं के साथ इनके दोस्त हैं दिलीप, जो कि नैनोद मल्टी के ही रहने वाले हैं, ये भी वहाँ घटनास्थल पर मौजूद थे। और इनकी जो लड़ाई हुई है वो 2 आरोपी जो इस प्रकरण में बने हैं, एक हैं कार्तिक, एक का नाम है करण, ये दोनों ही रहवासी जो हैं नैनोद मल्टी के रहने वाले हैं। इनके बीच में जो अभी तक जानकारी सामने आई है इन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड न्यायालयीन प्रकरणों को देख के, उसमें पता चला है कि 2021 में जो मृतक हैं आयुष, इनके ऊपर मामला पंजीबद्ध कराया था, जो इस केस में जो अपराधी हैं मुख्य करण, उनके भाई उसमें फरियादी थे, जिसमें करण की गर्दन पे चाकू मारा था और आयुष ने उस समय उनको चाकू मारा था। तो काफ़ी पिछले कई सालों से इनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इसी के चलते इसमें न्यायालय में पेशियां चल रही थी, तो न्यायालय की एक पेशी में जो आरोपी है उसका अभी प्रथम दृष्टि उसका ये कहना है कि न्यायालय की पेशी में मेरा बयान पलटने के लिए मुझ पर दबाव बना रहे थे, उसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ा और फिर चाकूबाजी हुई। इसमें इन लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किए गए तो इसमें जो मृतक आयुष है उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 291/21 धारा 323, 324, 294, 506 का अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें जो फरियादी हैं वो जो इस मुख्य आज के केस वाले में जो आरोपी हैं उनके ब्रदर हैं, जिसमें चाकूबाजी की घटना के बारे में वर्णन किया गया है। न्यायालय से पता करने पर भी पता चला है कि अभी एक पेशी हुई है उस प्रकरण में और अगली पेशी अगले हफ्ते में नियत थी, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि उसी संबंध में बातचीत करने या दोनों पक्षों के बीच में विवाद बड़ा होगा। इसमें जो करण और कार्तिक हैं, एक करण जो है वो 18 वर्ष की उम्र है उनकी और कार्तिक 19 वर्ष का है। इसमें करण के ऊपर भी एक आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें मारपीट, साधारण मारपीट का अपराध है जो कि 2022 का है, परंतु वो इस मामले से अलग है, उन पड़ोसियों का विवाद था। इसमें जो आरोपी हैं वो वर्तमान में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा की जाती है उसके अंतर्गत भी थे, वो प्रचलनशील थी और वो बॉन्ड ओवर की अवधि अगले महीने समाप्त होने वाली थी। तो ये चीज़ें अभी तक सामने आई हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार किया है, उनके द्वारा जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसको भी जब्त किया गया है। इसमें एक मुख्य चीज़ जो हमें समझ में आई है, जो साक्ष्य बनेंगे वो हैं सारे CCTV फुटेजेस। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोग थे वहाँ पर जिन्होंने अगर फुटेजेस किसी ने कैप्चर किए हैं तो जितने ज़्यादा फुटेजेस हम यूज़ कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर हम प्रोसिक्यूशन में हमें हेल्प मिलेगी। तो हम सभी लोगों को वहाँ जो उस समय मौजूद थे, आसपास दुकानें हैं, वहाँ पर HP की गैस एजेंसी है उसके CCTV फुटेजेस कैमरा,
वहां जो दुकानें हैं उनके सीसीटीवी फुटेजेस कैमरा, किसी ने जैसा आपने बताया कि वीडियो वायरल हुआ था, वो उनसे भी हम संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास जो वीडियो हो उसको जो फॉरेंसिकली उसको जैसे एक्सेप्टेबल जो वीडियो रहता है उसकी तरीके से उसको जब्त किया जा सके जिससे उसको प्रकरण में लगाया जाएगा। अभी मुख्यतः जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें दो ही लोग सामने आए हैं और वीडियो भी आपने देखा होगा उसमें मुख्यतः दो ही लोग थे जो थे। अभी इनसे फिर से इनको पीआर में लेके पुनः पूछताछ करेंगे, पूरा घटनास्थल का रिक्रिएशन फॉरेंसिक टीम के माध्यम से करवाया जाएगा जिससे कि कोई भी ऐसे एविडेंस हो या कोई भी ऐसा लगा कि ये प्री मेडिटेटेड क्राइम था तो वो लोगों को भी फिर आरोपी बनाया जाएगा। पर वो तभी पे है कि एक बार इसमें जब पूरी जांच हो पाएगी पीआर में लेके तभी उसमें पता चलेगी। पूरे मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करेगी जिसके बाद दोनों ही बदमाशों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। Oh, oh, oh.